न्यूज़पत के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा गाजियाबाद की डॉग पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्ता पालने के लिए नियमों को मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद नगर निगम की डॉग पॉलिसी के नियमों के मुताबिक अब पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराने की फीस 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है, जबकि रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की सालाना फीस 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की गई है। आवेदक को पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। नियम के मुताबिक पालतू कुत्ते की उम्र 1 साल होने पर ही उसका स्टरलाइजेशन किया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन करने वाले को ये हलफनामा देना होगा कि उनके पालतू कुत्ते से किसी को नुकसान नहीं होगा। वहीं डॉग की 3 खतरनाक ब्रीड्स पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटिनो के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। नियमों के तहत 200 वर्ग गज जगह वाले फ्लैट या फिर मकानों में अधिकतम 2 पालतू कुत्ते रख सकते हैं, जबकि 300 वर्ग गज वाले मकानों और फ्लैट में अधिकतम 4 पालतू जानवर रखे जा सकते हैं। किसी रिहायशी इलाके में 5 या इससे अधिक पालतू जानवर रखने पर ऐसी जगहों को एनिमल शेल्टर की कैटेगरी में रखा जाएगा। डॉग पॉलिसी में ये भी प्रावधान है कि लोग दूसरों के घरों के बाहर कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते। एनिमल एक्टिविस्ट्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग पॉइंट्स तय करेंगे। पार्क और लिफ्ट जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों के मुंह में मजल लगा जरूरी है। डॉग पॉलिसी के इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। 2020 में हुए एक सर्वे के मुताबिक गाजियाबाद सिटी में लगभग 20,000 पालतू कुत्ते हैं। इनमें से करीब 5,300 कुत्ते ही रजिस्टर्ड हैं। वहीं गाजियाबाद शहर में स्ट्रे डॉग्स की संख्या लगभग 48,000 है और इनमें से 23,500 कुत्तों का ही स्टरलाइजेशन हुआ है। डॉग पॉलिसी के तहत शहर की सभी पेट शॉप्स को रजिस्टर कराना होगा और नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। कुत्तों से जुड़ी भयानक घटनाओं को लेकर गाजियाबाद नगर निगम के ये नियम काफी महत्वपूर्ण है। इन नियमों को लेकर गाजियाबाद के आम लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने उनसे बात की। सुनिए क्या कहना है उनका। क्या कुत्तों की वजह से परेशानी होती है? हमने अभी देखा कि ऐसे बहुत सारे हादसे हुए कि जो पालतू कुत्ते हैं उन्होंने चलते चलते बच्चों को काट दिया, या फिर किसी ने बच्चे को कुत्ते ने काट दिया, उसे इंजेक्शन नहीं लगा था, उससे एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। तो अभी जो ये पॉलिसी आई है उस पर रिएक्शन क्या है? देखिए, न्यू एडवाइजरी जो आई है बहुत कारगर नहीं है। फ्रेंकली अगर आप सुने तो कोई कारगर नहीं है। 200 स्क्वायर फीट में 2 डॉग, 200 स्क्वायर फीट का घर होता है क्या? झुग्गी नहीं होता। और 3-3 4-4 5-5 डॉग रख लीजिए, उससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होना है। अगर कंक्रीट कोई ठोस अगर कोई पॉलिसी नहीं आती है तब तक कुछ नहीं होगा। स्ट्रीट डॉग से भी परेशानी रहेगी, पेट डॉग से भी परेशानी रहेगी। यहाँ पे जो डॉग लवर्स हैं वो कई बार क्या करते हैं कि देखिए, एज पर जो एडवाइजरी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड की, उसमें जो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन हैं उनको अधिकृत किया गया है कि आप फीडिंग पॉइंट निर्धारित कर दें। फीडिंग पॉइंट्स हमने निर्धारित भी कर रखे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या हैं जो फीडिंग पॉइंट्स निर्धारित हैं उन पे भी कुत्तों को फीड नहीं कराते। हम तो कुत्तों से इतना डरते हैं कि गाड़ी के नीचे पड़े रहते हैं, एकदम आते हैं सामने, बड़ी डर लगती है। बूढ़े आदमी हैं, कभी गिर जाएंगे तो और चोट लग जाएगी। कुत्तों ने बड़ा परेशान कर रखा है। अक्सर हम देखते हैं कि पिटबुल जो है वो बहुत ज्यादा बीच में काटने लगे थे। बहुत केसेस भी आए कि जो इस ये ब्रीड के कुत्ते हैं ये बहुत ज्यादा लोगों को काटे, इन पर प्रतिबंध लगा दिया, ये कितना ये सही है? इससे क्या कुछ होगा? अभी कुत्तों के काटने में क्या रोक लगेगी? अगर उसको कारगर किया गया, उसको अगर अपनाया गया चीजों को, तो जरूर कारगर होगा, सही होगा। लेकिन अगर उसको हम नहीं अपनाते हैं, हम नहीं मानते हैं हम सिस्टम को, तो फिर परेशानी तो रहेगी ही। नहीं, अगर सिस्टम को नहीं मानेंगे तो 10,000 का जुर्माना भी है, ये सही है। लेकिन पता लगना चाहिए ना सिस्टम को भी कि ऐसा होना है, ये करना है। और कहीं कई बार पता ही नहीं लगता, बताएगा कौन जाकर? इसके पास यहाँ बड़े शहरों में इतना टाइम है। ये समस्या आज की नहीं है, ये कई सालों से इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी हो या रेजिडेंट्स हो, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की भी एक मोरल ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर उन्होंने डॉग पाले हुए हैं तो उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, फीडिंग पॉइंट और जो भी है, अगर बाहर भी घुमाते हैं तो उनकी जो भी पॉटी वगैरह वगैरह होते हैं उसको अपनी मोरल ड्यूटी समझ के उस चीज़ का समाधान निकलना चाहिए, ना कि डिस्प्यूट क्रिएट करनी चाहिए।